मधेपुरा जिले के पुरैनी प्रखंड अंतर्गत बलिया गांव में जिला कृषि पदाधिकारी राजन बालन की अध्यक्षता में कृषि किसान मेला का आयोजन किया गया, जिनका उद्घाटन बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेले में भारी संख्या में पहुंचे किसानों को मंत्री श्री राय ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में हाईटेक तरीके से जमीन की होगी मापी। सभी जिले के अंचलों में करीब 6 लाख की आवंटन कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जमीन मापी होगी, कहीं भी अमीन गड़बड़ी नहीं कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर जिले में अमीन की कमी को देखते हुए सरकार के द्वारा अमीन की बहाली संविदा पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में बसेरा अभियान के तहत करीब 50,000 भूमिहीनों को 5.5 डिसमल जमीन देकर बसाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को मंत्री ने आश्वस्त किया कि जमीन मापी या दाखिल खारिज में कहीं भी कोई गड़बड़ी कोई कर्मचारी या सीओ से लेकर डीएम करता है तो मुझे शिकायत करे, हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मौजूद लोगों को बताया कि आगामी 23 फरवरी को कोसी प्रमंडल स्तर पर सहरसा में एक आवश्यक बैठक की जा रही है, जिसमें आप लोग जरूर भाग ले और वही पर जमीन संबंधित कोई भी शिकायत हो या किसी अधिकारी के द्वारा गड़बड़ी की जा रही हो तो इसकी शिकायत बैठक में दर्ज की जा सकती है, जिसे तत्काल खारिज करते हुए ऐसे अधिकारी व कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सके। पहले तो कुछ होता था तो पता भी नहीं चलता था। आज एक रेवेन्यू मिनिस्टर होने के नाते मैं आपको बता दूं कि अभी आपके प्रमंडल में, कोसी प्रमंडल में 23 तारीख को मैं बैठक करने जा रहा हूं, जिसमें सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिले के तमाम अंचलों का रिव्यू होगा। उस रिव्यू में सभी अंचलाधिकारी, सभी DCLR, सभी ADM, सभी DM, सभी SP रहेंगे और उसमें बैठक में निश्चित रूप से जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कर्मचारियों पर, ऐसे पदाधिकारियों पर गांज गिरेगी और जो काम लंबित है उनको करना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से अपने आम जनता को सूचित करना चाहता हूं, जिन भाइयों को कोसी प्रमंडल में घर पड़ता है, चाहे वो मधेपुरा हो, सहरसा हो, चाहे वो ये कौन सा जिला हो गया, मधेपुरा, यानी तीनों जिला मिला करके सभी अंचल के अंदर जो भी काम पेंडिंग है, कोई कर्मचारी या कोई CO या जिला परेशान कर रहा है, तो आवेदन के साथ आप मुझे 22 तारीख को सहरसा सर्किट हाउस में 6 से 8 संध्या मिल सकते हैं और 23 तारीख के सुबह में 8:30 से 10:30। ये थी हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट मधेपुरा से।